हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टेलीस्कोप जो कि है एक्सप्लोर साइंटिफिक। 80mm का इसका अपर्चर है, 640mm का इसका फोकल लेंथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेटअप और अनबॉक्सिंग वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये सारा आता है बॉक्स के अंदर एक्सेसरीज। एक्सप्लोर साइंटिफिक 80mm का ये टेलीस्कोप है और 640mm इसका फोकल लेंथ है। एजेड माउंट में ये आता है। 80mm का ट्यूब आता है, ब्रांडिंग दे रखा है एक्सप्लोर साइंटिफिक का। वाइट कलर की ट्यूब है और काफ़ी खूबसूरत ट्यूब है, शॉर्ट ट्यूब है ये। ठीक है, तो ये ट्यूब हो गया हमारा 80mm का। ये माउंट है एजेड, ये इसका स्क्रू। दो इसमें आईपीस आते हैं, एक आता है 10mm का और एक आता है 20mm का। दोनों ही आईपीस यूजफुल हैं। एक बार्लो लेंस आता है, एक स्टार्ट, एक ये डायगनल आता है, एक फाइंडर स्कोप आता है, एक डीएसएलआर कनेक्टर आता है, एक आता है फ़ोन अडेप्टर, एक्सेसरी ट्रे, ये मैप आता है और आता है इसका यूजर मैनुअल जो कि चाइनीज में है, पढ़ लीजिएगा आप। और एक आता है स्टील हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड। तो चलिए बिना देरी के सेटअप करते हैं इस टेलीस्कोप को। ठीक है दोस्तों, ट्यूब को स्लाइड करके लगा देना है। बहुत इजी सेटअप है इसका, मतलब विद इन एक मिनट दो मिनट में आप अपना टेलीस्कोप को असेंबल कर सकते हो। सिंपल सा ट्राइपॉड दे रखा है, इसके तीनों लेग खोलने हैं। एजेड माउंट दिया हुआ है, एजेड माउंट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक नीचे स्क्रू होता है उसके माध्यम से। उसके बाद आपको ट्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर सेंटर में बैलेंस करके रखना है, देन स्लाइड करके यहाँ पे आपको ट्यूब को होल्ड कर देना है। सिंपल सा यही है इसका सेटअप। ईजी टू यूज टेलीस्कोप है ये। अगर आप आउटडोर वगैरह पे जा रहे हो तो इसको आप कैरी करके लेके जा सकते हो, ईजी टू यूज है दोस्तों। अगर आप ट्रैवल वगैरह पे भी जा रहे हो तो आप इसको कैरी करना चाहें तो कैरी करके लेके जा सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी इसको कैरी करने में। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पर कनेक्ट करते हैं आईपीस। तो आईपीस कनेक्ट करने के लिए यह पोजिशन दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है डायगनल, तो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। और सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है डायगनल इस प्रकार से, और डायगनल के बाद हमें यहाँ लगाना होता है आईपीस। हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले बड़ा आईपीस लगाइएगा। जो भी आईपीस के अंदर बड़ा आईपीस आता है, इसके अंदर आया हुआ है 20mm का आईपीस, तो आप 20mm का यहाँ पे आईपीस लगा लेंगे। तो ये जो हैंडल दे रखा है ये अप एंड डाउन करने के लिए दे रखा है, जिस भी पोजिशन पर आपको रखना है इस हैंडल से आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। और एक नीचे स्क्रू दे रखा है, इसको जब हम लूज करेंगे तो हम इस तरीके से पूरा 360 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब जहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे इस स्क्रू को, ये लॉक हो गया है। और लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट के लिए ये हैंडल यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट है। ठीक है, पूरा आप अपने सिर के ऊपर तक का ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियरली आप देख सकते हैं। और इसको बैलेंस करना है बहुत ही ध्यान से। ये जो यहाँ पे ब्रेकेट दे रखा है, इस ब्रेकेट को लूज करके और ट्यूब को बैलेंस करके रख लेना है, एक तरफ को भगे नहीं। उसके साथ साथ में ये फाइंडर स्कोप भी हमें यहाँ लगाना होता है, तो ये फाइंडर स्कोप यहाँ पे बहुत इजीली लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ रखना है और ये फाइंडर स्कोप आपका लग जाता है। फाइंडर स्कोप आपको बहुत हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। तभी क्या करना है, फाइंडर स्कोप को ऑन करना है
और ये जो फाइंडस्कोप है वो रेड डॉट फाइंडस्कोप है, तो इसका जो रेड डॉट जा रहा है वो सीधा आपके ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए जो भी आपके आईपीस में दिख रहा है, दोनों को मैच करना चाहिए। तो मैच नहीं है तो मैच करने के लिए क्या है, आपको मैनुअली पहले फोकस करना है, आपके आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखना है आईपीस में, जब वो दिख जाए देन यहाँ से पॉइंट करना है। आपको आपका ऑब्जेक्ट अगर इसके सेंटर में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर सेंटर में आ रहा है, दो मूवमेंट बटन दे रखे हैं रेड डॉट के, एक तरफ लेफ्ट राइट की तरफ मूवमेंट करेगा और एक बटन से अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करेगा। उन दोनों बटन के थ्रू आप जो इस रेड डॉट है वो आपके जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके सेंटर में ले जा सकते हैं, और जब ये दोनों अलाइन हो जाएंगे तो एक परफेक्ट तरीके से आप टेलीस्कोप को यूज कर पाएंगे, और नाइट में ये चीज़ आपको बहुत मदद देगी, क्योंकि नाइट में अगर हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो ऑब्वियसली हम फाइंडस्कोप के थ्रू ही ढूंढते हैं। अगर आपका फाइंडस्कोप अलाइन हो रखा होगा आईपीस के तो आपको परेशानी कम होगी, अगर आपका अलाइन नहीं हो रखा होगा फाइंडस्कोप तो आपको फिजिकली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये है इसमें जो आईपीस दे रखा है उनको, अगर आपको 20 mm आईपीस से कोई भी ऑब्जेक्ट मिल गया है और आपको और ऑब्जेक्ट बड़ा देखना है तब आप 10 mm का आईपीस इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और ये है फोकसिंग नॉब, तो यहाँ पे एक लॉक दे रखा है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हमें बार बार देखना है और इसी पोजीशन पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे लॉकिंग के लिए सिस्टम दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर मुझे इसी पोजीशन पे इसको लॉक करना है, जब हमने मून के ऊपर फोकस कर लिया और हमने यहाँ फिक्स कर दिया है तो हमें फोकस तो बार बार करना है ही नहीं, सिर्फ मून को फॉलो करना है, तो उस कंडीशन में ये नोब आपका देखो काम करेगा, अभी मैं इसको कितना भी रोटेट करूँगा फोकसिंग नोब काम नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा है, तीन एंगल पे दे रखा है, तीन स्विच दे रखा है, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी, सेंटर में भी। अब हम इसको लूज कर देते हैं, फिर ये अपने उसी रूप में मूवमेंट करने लगेगा फोकसिंग नोब। ठीक है दोस्तों, और कंपनी इसके अंदर देती है एक बारो लेंस, अगर आपको ये बारो लेंस यूज करना है तो पहले आपको यहाँ बारो लेंस लगाना है, फिर उसके ऊपर आपको आईपीस लगाना है, तब ये बारो लेंस उस आईपीस की पावर को डबल करके देगा आपको। ठीक है, अब बारो लेंस के बाद में एक कंपनी हमें इसके अंदर देती है DSLR कनेक्टर, तो वो भी हम आपको बताते हैं, उससे पहले बता देते हैं फोन अडेप्टर के लिए। कंपनी इसके अंदर एक फोन अडेप्टर देती है जिससे आप मोबाइल के थ्रू फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको लगाना है आईपीस को, यहाँ सेट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका आईपीस एज इट इज जैसे आपने पहले लगाया था वैसे लगा देना है, और यहाँ पे आपको अपना फोन होल्ड करना है। फोन को होल्ड करने के बाद फोन का जो मेन कैमरा है वो इस आईपीस के सेंटर में रखना है, और आप इसी प्रकार से स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम DSLR कनेक्टर की तरफ, तो ये है DSLR कनेक्टर। इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से हम इसको एक बार लूज करेंगे, ठीक है, इसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद ये जो वाला पोजिशन दिख रहा है इसको आप बाहर निकाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये पोजीशन बाहर निकल आएगा और ये कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये कनेक्टर इस प्रकार से यहाँ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको जो भी DSLR लगाना है उसका एक टीरिंग आपको परचेज करना पड़ेगा, तो टीरिंग तो ये लग जाएगा DSLR के अंदर जैसे आप लेंस एक्सचेंज करते हैं उसी प्रकार से, और उसके बाद इसको यहाँ पे रोटेट कर देना है अडैप्टर के ऊपर, उसके बाद ये आपको रोटेट कर देना है इस प्रकार से, ये आपका DSLR इस प्रकार से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, DSLR आपका इस प्रकार से लग जाएगा, स्मार्टफोन आप इसमें लगा सकते हैं, स्मार्टफोन एडप्टर कंपनी ने ऑलरेडी दे रखा है, DSLR के लिए यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, तो आपको एक टीरिंग खरीदना है, तो आप अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो और अगर आपको इस टेलीस्कोप के व्यू देखने हैं कि इससे हमने प्लैनेट कैसे कवर किए हैं, तो उसकी वीडियो भी हम जल्दी एक दो दिन में डालने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक एक वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। हम बीच बीच में डील वीडियोज भी डालते रहते हैं जो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जो भी स्टॉक होता है टिल स्टॉक एंड तक रहता है वो, और काफ़ी अच्छा एक बिगनर टेलीस्कोप है ये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हमारी वेबसाइट पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि इसका अपर्चर है वो 80 mm का अपर्चर है, तो काफ़ी अच्छा अपर्चर है। तो यही था इसका सेटअप, और इसमें कौन से पार्ट जो थे वो कैसे यूज होने हैं, कहाँ पे यूज होने हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप है। इस प्राइस बजट में 80 mm के बहुत ही कम मॉडल अवेलेबल हैं, 80 mm अपर्चर और 640 mm फोकल लेंथ के साथ में, तो ये अगर मॉडल आपको परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए photocard.in, काफ़ी रीजनेबल प्राइस आपको अदर
मार्केट प्लेस के मुकाबले हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। जय हिंद, बाय बाय।